नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। आजकल फैंस लगातार ये सवाल उठाते हैं कि जो आज के समय के खिलाड़ी हैं वो नेशनल टीम से ज्यादा जो फ्रेंचाइजी टीम है उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं। इस पर लगातार जो फैंस है वो सवाल उठाते हैं, क्योंकि देखा गया हाल फिलहाल में कि जो कुछ खिलाड़ी है वो टेस्ट वगैरह खेलने के बजाय T20 क्रिकेट यानी कि फ्रेंचाइजी लीग यानी कि जैसे कि IPL है उसको खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों खेलना पसंद करते हैं? क्योंकि यहाँ पर पैसा ज़्यादा है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए BCCI ने कुछ दिन पहले टेस्ट खेलने वालों खिलाड़ियों के लिए स्पेशल इंक्रीमेंट किया था, जहाँ पर उनको बोनस दिया जा रहा था, उसकी खबर आपने सुनी होगी। पर आज हम इस वीडियो आप सभी के साथ जुड़े हैं KL राहुल की इंजरी को लेकर। KL राहुल भारत के एक बड़े बल्लेबाज हैं। आपने देखा कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में वो टीम का हिस्सा थे। पहले मैच उन्होंने खेला और उसके बाद उन्होंने अपनी जो जांग की मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत करी। उस चोट के कारण वो पूरी सीरीज से बाहर हो गए। सबसे पहले वो NCA गए और NCA में जाकर उन्होंने वहां पर जांच कराई, पर उनका कोई समस्या का हल नहीं हो पाया। उसके बाद वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में कुछ समय बिताया, वहां पर डॉक्टरों से बातचीत करी। उसके बाद वो इंडिया वापस आए। इंडिया में वापस आने के बाद वो फिर से NCA में गए, जहां पर उन्होंने रिहैब किया। रिहैब कुछ दिनों करने के बाद IPL की शुरुआत होने से पहले ही BCCI के अंडर जो आता NCA है उसने KL राहुल को NOC दे दिया, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि KL राहुल को पूरी तरीके से फिट घोषित कर दिया। यहां तक आपको समझ में आया कि चलो KL राहुल पूरी तरीके से फिट हो गए। सभी भारतीय क्रिकेट के जो फैंस है वो भी खुश हो गए कि चलो अब अगर KL राहुल फिट है तो होने वाले वर्ल्ड कप में भी वो उनके चांसेस है। ठीक है, उन्होंने पहला मैच खेला, उन्होंने विकेट कीपिंग करी, उसके अलावा 4 और 5 नंबर पर जहां भारतीय क्रिकेट टीम को जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग बल्लेबाजी भी करी। चलो वो सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सही जा रहा था। पर पंजाब के साथ जो मैच हुआ उसमें जो भारतीय क्रिकेट फैंस है वो चौंक गए और बहुत डरे हुए। क्यों डरे हुए हैं? आपको बता दें, KL राहुल जो लखनऊ के कप्तान हैं उन्होंने कप्तानी नहीं करी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पहले मैच में उन्होंने 4 और 5 नंबर पर जो भारतीय क्रिकेट टीम में रिक्वायरमेंट है उन्होंने जो पहले मैच में करी थी, इस मैच में आकर उन्होंने ओपनिंग करी, दूसरी चीज। तीसरी चीज जो सबसे चौंकाने वाली चीज थी कि KL राहुल एज अ इंपैक्ट प्लेयर खेला, यानी कि KL राहुल ने इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इसलिए खेला क्योंकि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल कि जब KL राहुल पूरी तरीके से फिट नहीं है तो वो IPL क्यों खेल रहे? KL राहुल पूरी तरीके से फिट नहीं थे तो उन्होंने टेस्ट सीरीज जो थी पूरी तरीके से उन्होंने छोड़ दी, वो इलाज के लिए NCA गए, इंग्लैंड गए। पर IPL में जब पूरी तरीके से फिट नहीं है तो वो IPL क्यों खेल रहे? क्योंकि KL राहुल को भी इस चीज का पता है कि भारतीय टीम को एक विकेट कीपर बैट्समैन की जरूरत है जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर। और जो मोस्टली सबसे ज्यादा चांसेस थे वो KL राहुल के ही थे, पर KL राहुल ने क्या IPL के लिए T20 वर्ल्ड कप को दांव पर लगा दिया है? ये सबसे बड़ा सवाल आज लोग पूछ रहे हैं। क्योंकि आप अगर आपको चोट है तो अगर आप चोट के साथ खेलोगे तो चोट आपकी बेहतर होने के बजाय चोट और बढ़ने की आशंका है, और यही चीजों को लेकर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। जब आप चोट की वजह से इंडिया टीम को छोड़ सकते हो तो चोट की वजह से आप IPL क्यों नहीं छोड़ सकते? अगर आप पूरी तरीके से फिट नहीं हो 3-4 मैच मत खेलिए आप, इसमें कुछ गलत है नहीं, है ना? दबे जुबान तो हर कोई ये कहता है, पर खुले में आकर कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। चलो एक KL राहुल हो गया। दूसरा सवाल यहां पर उठता है BCCI के अंडर में आता हुआ NCA, नेशनल क्रिकेट एकेडमी। कोई भी भारत का खिलाड़ी अगर चोटिल होता है तो उसको NCA जाना पड़ता है और NCA के NOC के बाद ही वो कोई क्रिकेट खेल पाता है। तो क्या जब KL राहुल पूरी तरीके से फिट नहीं थे तो जो NCA है वो राहुल को NOC कैसे दे सकता है और उनको पूरी तरीके से फिट कैसे घोषित कर सकता है? ये सवाल उठ रहा है और ये पहली बार नहीं है कि NCA के ऊपर सवाल उठे हैं।
इससे पहले कई बार एनसीए के ऊपर ऐसे सवाल उठे हैं क्योंकि उन्होंने कई ऐसे खिलाड़ियों को एनओसी दिया, यानी कि वो इंजर्ड होकर गए, वहां पर रिहैब किया, उनकी सारी चीजें सही हुई और फिर आकर पहले और दूसरे मैच में फिर से वो इंजर्ड हो गए। तो सवाल ये उठता है कि जब वो पूरी तरीके से फिट हो गए तो दोबारा वही चोट उनकी कैसे उभर सकती है, और यही केएल राहुल के साथ हो रहा है। जब वो पूरी तरीके से फिट थे तो वो दोबारा से इंजर्ड कैसे हो सकते हैं, यही लोग सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ रहा है एनसीए का, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एनसीए के ऊपर जो लोगों का एक भरोसा है वो भरोसा टूट सकता है। तो ये तो एनसीए के ऊपर सवाल हो गया। दूसरा सवाल यही है कि केएल राहुल जब पूरी तरीके से फिट नहीं है तो वो आईपीएल क्यों खेल रहे हैं, और बीसीसीआई आंख बंद करके क्यों बैठा हुआ है? क्या बीसीसीआई जो टीम की रडार में खिलाड़ी है टी20 वर्ल्ड कप को लेके, क्या उनके लिए कोई स्पेशल एडवाइजरी जारी करेगा? ये देखने वाली बात होगी। पर केएल राहुल की इंजरी का सस्पेंस सभी के लिए सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भारत से इंग्लैंड भी जाकर आ चुके हैं पर इनकी इंजरी का कोई भी समाधान नहीं हो पाया अभी तक। केएल राहुल की इंजरी पर आप सभी की क्या राय है, प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।